नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल्स पर एक न्यू वीडियो। ये कंपैरिजन वीडियो है जो कि 2021 के न्यू अपडेट्स के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि इस साल किया और हुंडई ने अपनी दोनों गाड़ियों में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। हुंडई ने अपने बेस मॉडल्स पर काफ़ी सारा वर्क किया इस बार, जो कि हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और इधर सेल्टोस के बेस मॉडल पर भी चेंजेस हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि दोनों कंपनियों ने इस बार जो चेंजेस किए हैं, अब हुंडई की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ इसने अपने ई बेस मॉडल्स पर काफ़ी सारा निगेटिव वर्क कर दिया था। जैसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM को हटा के मैनुअली कर दिया था, और जो इंडिकेटर था वो आपको फेंडर पर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी डिग्रेडेशन यहाँ पे कंपनी ने करा था। और वहीं किया सेल्टोस में तो आपको बेस मॉडल में ही पहले से ही फेंडर पर इंडिकेटर और ORVM आपको उसके टर्न इंडिकेटर्स पर देखने को नहीं मिलता था। तो अब हम इसके फीचर्स की भी बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो हम आपको बता दें कि दोनों गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को अभी भी मिलते हैं 2021 में अपडेट के बाद भी। पावर विंडोज़ आपको 4 मिलती हैं इसमें रियर और फ्रंट के साथ। और अगर हम अब इसके इंटीरियर्स की बात करें तो रियर एसी वेंट्स अभी भी आपको दोनों मॉडल्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हम इसके कुछ बेसिक डिफरेंस की तरफ जाएं तो यहाँ पे आप इंटीरियर्स में आप जैसे देख पाएंगे कि इसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है क्रेटा में, लेकिन आपको सेल्टोस में केवल ब्लैक फिनिश के साथ डैशबोर्ड मिलता है। प्लस आपको डी कट स्टेयरिंग मिल जाता है, जो कि सेल्टोस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सेल्टोस में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, प्रीमियम हेडलाइनिंग इनसाइड डोर हैंडल के साथ। अब हम इसमें और बात करें तो पावर बूट का ऑप्शन आपको क्रेटा में ज़रूर देखने को मिलेगा, और रिमोट ट्रंक ओपनर, ट्रंक लाइट भी आपको देखने को मिलेगी। रियर रीडिंग लैंप्स आपको सेल्टोस में देखने को मिलेगा विद मल्टी फंक्शन व्हील। काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर आज भी सेल्टोस में मिलता है, जिसे सेल्टोस को एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर। और लेन चेंज इंडिकेटर वगैरह फीचर जैसे आपको क्रेटा में देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेल्टोस में नहीं है। इको कोटिंग आपको दोनों मॉडल्स में देखने को ज़रूर मिलेगी। अब दूसरे फीचर्स की बात करते हैं तो एंटीना आपको लगाया हुआ इसमें सेल्टोस में देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्रेटा में आपको नहीं मिलता है। और क्रोम गार्निश आपको सेल्टोस में नहीं मिलती है, जो क्रेटा में आपको मिल जाती है। बाकी अलॉय व्हील्स आपको बेस मॉडल्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन सेल्टोस में आपको व्हील कवर्स देखने को मिल जाएंगे। अब वहीं हम इसके सेफ्टी फीचर्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक और इंजन चेक वार्निंग, ये फीचर्स तो सेल्टोस में मिल जाते हैं, मगर डुअल हॉर्न, ESS एंड स्पीड अलर्ट, ऑटो डोर लॉक आपको सेल्टोस में नहीं मिलते हैं, क्रेटा में मिलते हैं। इंटरटेनमेंट्स की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ किया सेल्टोस बहुत आगे निकल जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, किया सेल्टोस के बेस मॉडल में ही आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं कंपनी फिटेड, और ब्लूटूथ और ऑक्स की कनेक्टिविटी आपको सेल्टोस में देखने को मिल जाती है। वहीं क्रेटा के बेस मॉडल की बात करें तो वहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज भी किया सेल्टोस क्रेटा से काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके बेस मॉडल में ही। अगर आपको अपने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढना है दोनों की सेम प्राइसिंग में, तो सेल्टोस काफ़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि उसमें आपको मल्टी फंक्शन स्टील व्हील भी देखने को मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल PS मोटो हब। तब तक के लिए जय हिंद।